हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुजाता फूड्स में स्वागत है। दोस्तों आज हम बेसन के लड्डू बनाएंगे, तो आइए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। दोस्तों बेसन का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम शक्कर का बोरा तैयार दोस्तों आप चाहे तो मार्केट का भी भूरा ले सकते हैं, मैं यहाँ घर में ही बना रही हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कटोरी घी लिया है, और मैंने यहाँ पे एक बाउल भर के बेसन लिया जिसमें मैं डाल दूंगी। दोस्तों हमारा जो गैस का फ्लेम है वो कम रहेगा और इसे हमें धीमी आंच में ही भूनना है। अगर हम गैस का फ्लेम है उसे बढ़ा देंगे तो हमारा जो बेसन है वो जल जाएगा और जो हमारे लड्डू है वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हमें इसे धीमी आंच में भूनना है। ये देखिए दोस्तों हमारा शक्कर का भूरा बन के तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे गैस बंद कर दिया है। लम्स वगैरह उसे हम बाद में अच्छे से फोड़ लेंगे। बेसन है वो अच्छे से भून रहा है, इसे हम बहुत ही कम आंच पे भूनना है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बढ़ा देंगे तो हमारा बेसन वो जल जाएगा, हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने नॉर्मल बेसन लिया है, आप चाहे तो मोटे वाले बेसन भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो बेसन है अच्छे से भुन गया है और ये जो घी है वो ऑयल छोड़ रहा है और एक अच्छी खुशबू आ रही है बेसन से। इसे हमें थोड़ी देर और अच्छे से भूनना है। तो हमारा जो लड्डू है दानेदार बने इसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें पानी छिड़क देंगे, जिससे हमारे जो बेसन के लड्डू हैं बहुत ही दानेदार बनेंगे। देखिए मैंने यहाँ गैस का फ्लेम है उसे कम ही रखा है। अब यहाँ हम गैस बंद कर देंगे और ये जो बोरा तैयार किए थे उसे हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा होता है और खाने में भी ये टेस्टी होता है। देखिए दोस्तों हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे एक थाली में
डाल दिया है, इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे अच्छे से रफ कर लेंगे, फिर हम इसका लड्डू बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमें हाथों से इस तरह से अच्छे से रफ कर लेना है ताकि जो लम्स है वो अच्छे से सूख जाए। और हमारा बेसन बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, हल्का गर्म है दोस्तों। तो अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने लड्डू बनाना स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए, ये कितने अच्छे से हाथ में बन रहे हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ दो लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। ये देखिए दोस्तों आप ही घर में ज़रूर ट्राई करिए। बेसन के लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों, आप भी ज़रूर ट्राई करें घर में। ये लड्डू मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। और ये बहुत ही ज्यादा दानेदार बना है। आइए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बने हैं ना दानेदार लड्डू, आप भी जरूर ट्राई करिए। ये देखिए दोस्तों,